नमस्कार मित्रों, बहुत सारे विषयों पर हम बोल चुके हैं। मुंह की झाइयां दूर करना, शत्रु के विषय में तो बहुत कुछ बोल चुके हैं, वशीकरण, स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, सज्जन वशीकरण, इन सब के बारे में बोल चुके हैं। बहुत सारी आपको कथाएं सुना चुके हैं, बहुत सारे यंत्र बता चुके हैं, और हम इसी प्रकार से विभिन्न विषयों पर आपके लिए काम करते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए हैं वशीकरण के उपाय। दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वशीकरण के। वशीकरण के उपाय मित्रों मैं आपको बता दूं, ऐसे होते हैं कि आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। भावना तो लगभग सभी संसाधनों में, सभी अनुष्ठानों और साधनाओं में प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना की ऊर्जा आपके अनुष्ठान को मिलती है और उसी से आपके कार्य से जुड़ने में सफलता मिलती है। तो देखिए कैसे वशीकरण किया जाए। पहला उपाय ये है, उल्लू के नेत्र और गोरुचन का मिश्रण बनाकर इन दोनों को मिलाकर पीस दें, सुखा लें और इस मिश्रण को किसी को पानी के साथ पिला दें या शरबत के साथ पिला दें। चाय कॉफी के साथ नहीं पिलाना है, पानी शरबत या ऐसे किसी चीज के साथ, मतलब दूध नहीं होना चाहिए उसमें, पानी हो और पानी के साथ कोई छोटा मोटा अवयव हो तो चलेगा। पिला देंगे तो वो व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा। उल्लू की आंखें निकालने के लिए उसे मारना आवश्यक नहीं है, आप एक मरे उल्लू का भी प्रयोग कर सकते। दूसरा उपाय ये है कि चटक, एक पक्षी होता है चटक, इस पक्षी का शीश, श्वेतार की जड़, मंजीष्ठ सब लिखा मिल जाएगा आपको सामने कैप्शन, और खदीर की जड़ को पीस कर मिश्रण बना लें। ये मिश्रण आप जिस स्त्री को खिला देंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगी। पहला वाला प्रयोग था वो कोई भी वशीभूत हो जाएगा, स्त्री हो या पुरुष। दूसरा वाला प्रयोग जो मैं आपको बताया है ये केवल स्त्रियों के, स्त्रियों को वशीभूत करने के लिए। तो फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।